हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स। सो सबसे पहले जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम सीखने को क्या वाले हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होने वाला है और कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। ये तीन कोर्सेज मतलब क्वेश्चन जो हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ ना कुछ एक इसका आइडिया डेफिनेटली रहेगा। इनकम टैक्स, अभी जब भी हम कुछ अर्न करते हैं सो गवर्नमेंट हम पे उस पे कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। सो अभी क्या होता है कि उस टैक्स को कितना पे करना है और कैसे उस टैक्स को कम से कम करके कितना मैक्सिमम हम सेव कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो दैट्स वाई इसमें हमारे पास स्कोप बहुत अच्छा होता है। अब हर पर्सन को जिसने भी कुछ ना कुछ अर्न किया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अब जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अब नॉर्मल पर्सन को समझिए ना, आप ही अपने बारे में सोचिए। एक तो अभी एट प्रेजेंट क्या आपको पता है कि कैसे रिटर्न फाइल करनी है? नहीं पता है, वो हम सीखेंगे। बट आपको क्या, अगर अर्निंग आपने करी है, कहीं पर आप जॉब भी कर रहे हैं, सो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। सो जैसे ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी लीगल एडवाइजर की एक रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ पे जैसे ही लीगल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट हुई, आपका रोल आ गया। अब जब इस टैक्सेशन को आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। सो वहाँ पे आपके लिए अर्निंग का स्कोप बढ़ गया, ठीक है। सो हम समझेंगे कि कैसे कैसे कितना ज़्यादा स्कोप है हमारे पास ओवर द टाइम, इन चीज़ों को समझेंगे और कैसे एक इसको अपने बिजनेस को, अपनी जो हम अगर प्रैक्टिस का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने, अगर आपने GST के और हमारा टैली का कोर्स है, हमारा उसका एक्सेल का कोर्स है या और भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर रहे होंगे, सो आइडिया होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। और अगर ऑल टुगेदर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडियस आपके लिए स्कोप है फ्यूचर में। देखिए, जो भी हम सीखेंगे इसको कोई भी पर्सन अटेंड कर सकता है, मतलब डजेंट मैटर आप कॉमर्स फील्ड के हैं या नहीं है, बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको 1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि कॉमर्स फील्ड के नहीं है तो मतलब दिक्कत आ रही है। सो हमारे कोर्सेज की स्पेशलिटी यही है, इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है सारे कोर्सेज को। अगर आपने कोई और कोर्सेज देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो भी कोर्स हम पढ़ते हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, सो उसमें स्पेशल यही चीज फोकस करी गई है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन जिसको जीरो नॉलेज है तो वो जीरो से सीख सकता है। जब मैं जीरो से कह रहा हूँ तो मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे पहले आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड थी, साइंस बैकग्राउंड थी, हर कोर्स इस लेवल से डिजाइन करा गया है, इस तरह से कवर किया गया है कि इवन क्लास 10th का स्टूडेंट जो पास आउट है, 10th पास आउट, तो वो भी सीख सकते हैं। तो जब मैं 10th पास आउट कह रहा हूँ तो 10th में तो हमारे पास वैसे ही ऑप्शन नहीं है कि हमें साइंस या कॉमर्स जैसा कुछ। आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उसके बाद के कोई भी आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, अपने खुद की इनकम टैक्स आप मैनेज करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को मैनेज करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये एकदम परफेक्ट कोर्स है, ठीक है। हर चीज को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, मतलब वो ऐसा नहीं है हमारे लिए कि मुझे भी कुछ ऐसी टेंशन नहीं है कि आपको दिखाना है कि हाँ भाई मुझे बहुत आता है या मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई उसमें एकदम हाई लेवल का पढ़ाऊं आपको। नहीं, हर चीज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझेंगे, जिसको प्रैक्टिकली यूज होना है उस लेवल से समझेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बात रही। इस कोर्स के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। देखिए, इनकम टैक्स, GST, टैली, एक्सेल, ये ही तो वो कोर्सेज हैं, ये ही वो कोर एरियाज हैं जहाँ पे एक CA वर्क करता है, ठीक है। सो आपको CA कितना अर्न करते हैं इसकी जानकारी मुझसे बेटर शायद आपको होगी, ठीक है। सो आइडिया रहता है, वो सब चीज़ें जब आप सीख जाओगे तो वाई कांट यू अर्न दैट मच, आप उसमें डेफिनेटली उतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। CA के पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अलाउ होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशन का डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, बट स्टिल अगर आप उसको अच्छे से सीखते हो ना, तो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली आपको कितनी नॉलेज होती है। धीरे धीरे ओवर द लाइफ आप इन चीज़ों में अपनी एक्सपर्टाइज अगर ग्रो करते हो तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी इस चीज़ में अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो से इसको स्टार्ट करते हैं, अपना कोर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।